तो फ्रेंड्स, मालविया जी मान गए हैं काम करने के लिए। ये उनकी सजा चल रही है, आप लोगों को जैसे पता है ना। यार यार थक गई है रचना ने, बहुत काम किया। मैं नहीं थकी, किसने कहा मैं थकी? आई बनाई है दो गीत। बाय बेबी, लव यू। जय माता दी। ये ले लो। जय माता दी मैम को दे देना, ठीक है? गीत लुक हियर, फोटो खिंचाएंगे। तो फ्रेंड्स, गीत स्कूल गई है और अभी 10:15 हो रहे हैं। मालवीय जी जाने को जाने में आधा घंटा है, तो मैं उनसे कह रही हूँ कि ये वॉल हमें पेंट करनी थी बहुत टाइम से, तो वो वन कोट कर दें, फिर सेकंड कोट मैं कर दूंगी, तो आज ही फाइनली हो जाएगी। गीत के प्रेजेंस में नहीं कर सकते क्योंकि इसको प्रॉब्लम है एलर्जी की, तो मालवीय जी से बोल के देखते हैं। फ्रेंड्स, मालविया जी मान गए हैं काम करने के लिए। ये उनकी सजा चल रही है, आप लोगों को जैसे पता है ना, ये उनकी सजा चल रही है। जो पापा मम्मी से हमें बहुत इतरा रहे थे ना, ये सजा का अभी वो बात नहीं करेंगे। एक कोट कर दो, दूसरा मैं कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये जो गीत की करामात है, मालवीय जी ने इसके ऊपर पोत दिया, जबकि मैं ट्राई कर रही थी उससे विनेगर से या थिनर से करो, तो ये देखिए निकल रहा। जरा सा विनेगर लिया मैंने चुटकी में, ये ऐसे करने से। ये वैक्स के तो हैं, इजीली निकल जाते हैं, तो मालवीय जी ने इसके ऊपर पोत दिया है, तो एक ही कोट रहने दो, मैं फिर इसको रिमूव करके देखूंगी दिन में। अभी तो रुक जा, ठंड रुकने दो ना, अदरवाइज तो वही रिमूव होगा जब भी पोता है। टाइम लगेगा यार इसको, या तो पुट्टी लगाते, पर क्या हम अभी तरह खर्च नहीं करना चाह रहे थे। पुट्टी इतनी महंगी नहीं आती, मगर टाइम बहुत लगता है। टाइम भी तो खर्च ही होता है, टाइम बहुत लगता है अपन को। सही होगा, पुट्टी वैसे लगानी नहीं आती, यूं करके लगाओ। अरे इतने इतने में लगा सकते हैं, पता देखेंगे, नहीं होगा तो फिर लगाएंगे पुट्टी बाद। यहाँ तो कैसा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा होगा? कैमरे में अंधेरा सा दिख रहा है, अदरवाइज बाहर से तो ठीक लग रहा है। अभी तो एक ही कोट हुआ है। मैं पहले सोच रही थी पैदल लेने आऊँ गीत को, लेकिन धूप इतनी थी मेरा मन नहीं था, लेकिन फाइनली मुझे धूप में ही गीत को फिर एक यार दो छोटी वाली गीत। एक्चुअली दूर है, 10 मिनट का रास्ता है, ठीक है इतना हम चल सकते हैं। बीच बीच में गीत को उठाना पड़ रहा है पानी की वजह से। नहीं 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 नहीं, थोड़ा गीत चल रही है, थोड़ा गोद में चल रही है और हमारे मस्त मज़ा करते हुए। बहुत गर्मी है, अब उनसे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। गीत, हाउ आर यू? गीता स्वेटर जीत पहने जीत कर रही थी, मॉर्निंग में ठंड लग रही थी तो। गीत नमस्ते। ए वो है मेरा बच्चा यार। अच्छा, जा सकते हैं, ज़्यादा है तो छाता ले जा सकती हूँ, वॉकिंग हो जाएगी, है ना? अच्छा आइडिया है, उठा भी सकती हूँ गीत को मैं, आधा आधा चली, कल से सोचते हैं। दोस्तों, मैं आया था यहाँ पे चिकमंगलूर चौराहे पे, यहाँ पे आओ तो हमेशा कड़ी फाफड़ा खाना चाहिए, बहुत ही फेमस है इंदौर का चिकमंगलूर चौराहे।
मुझे काम था नोवेल्टी में, तो नोवेल्टी में काम करते हैं। ठीक चलते हैं घर। और बहुत टेस्टी दोस्तों, एक प्लेट 30 रुपये की है, पहले 25 रुपये की थी मगर बढ़ा दी उन्होंने। मगर मज़ा आता है जब हम डिप करके खाते हैं कढ़ी में, बहुत ही यमी तो स्वाद रहता है उसका। इमरती भी फेवरेट है, फेमस है यहाँ की। चलो तो चलते हैं। तो दोस्तों मोबाइल आए थे, कुछ गॉगल लेने थे, आए थे कुछ काम था मुझे, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट देने थे, तो साथ ही मैंने यहाँ से ले लिए हैं कुछ गॉगल जो कि सस्ते मिलते हैं, प्लस ओरिजिनल वर्जन की कॉपी होती है, जो कि ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि मेरे से टूट जल्दी आते हैं तो मैं ओरिजिनल नहीं खरीदता हूँ। एक दो बार पहले ओरिजिनल खरीदे वो टूट जाते हैं, तो अच्छा लग रहा है। दो और हैं, एक रचना के लिए भी ले लिया, अगर पसंद आएगा तो ठीक है। जी ये तमाशे लाए, मुझे पसंद नहीं। दोस्तों कैसा लग रहा है यार, यही तो, ये रचना को पता ही नहीं कि आजकल फैशन फ्री मिलता था ये बचपन में, यही तो फैशन चल रहा है आजकल यार। दोस्तों करण जौहर पहनता इस टाइप के यार, बचपन में बोनवीटा के साथ मिलता था, मैंने पहन चुकी, मेरे को ये नहीं चाहिए। बोनवीटा मैंने कभी पिया नहीं, इसलिए मुझे नहीं। और मैंने अपने लिए लेकर आया हूँ, ये रचना के लिए था। हालांकि ओह माय गॉड, वेयर इज थर्ड वन तो दिखा चुके हैं, मैं पहन के आया था। दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। रचना क्या कर रही हो दोस्तों, ये बॉल कैसी लग रही है, मालवीय जी ने पोती, ये तो दिखा दो। अच्छी लग रही फ्रेंड्स, उस पे कैमरा में शायद अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लगेगी, रियलिटी में लग रही है, मतलब एक लाइट सी आ रही है वो अपने लाइटिंग कम है। ठीक है अभी हम थोड़ा पैसे बचाने वाले मूड में है। तो आपको ना ये पेंटिंग कुछ मिली हुई थी, ये आपको याद होगा मालू जी, मैं गई थी एज ए चीफ गेस्ट। दोस्तों ये हमारे वीडियो का सेकंड ब्लॉग था। अच्छा, हमारे चैनल का, जिसमें रचना को एज ए चीफ गेस्ट मिली थी, विच इज वेरी चीप। टोक्यो के स्टूडेंट का है, टर्की के स्टूडेंट ने बनाई थी दोस्तों। क्या नाम था इनका, मैं नाम तो नहीं पढ़ सकता, सेल के लिए सॉरी हम नहीं पढ़ पाएंगे। और ये रचना को भी किसने दी रचना आपको, हाँ ये भी किसी ने दी थी, ये जो है ना बहुत पुरानी सब रखी हुई है, और ये सब लगानी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, ये जितना मुझे पता है कि ये देखिए, आपको पता है इसमें क्या दिख रहा है, इसमें मुझे दिख रहा है आपका हाथ, बताओ इस पेंटिंग में आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक गली जा रही है, और ये गली कहाँ जा रही है ये नहीं पता, एक रोड है, नेवर एंडिंग रोड है, यानी कि ये आपके सक्सेस एंड इस कोने पे हो रहा है, मुड़ रहा है ना, जा रहा है आपको, ताकि ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, और वो पाथ आपका सक्सेस का पाथ चलता ही रहेगा, जंगलों से जाएगा मेरा पाथ। और ये तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा, 7 हॉर्स की रनिंग हॉर्स की तो बहुत अच्छी होती है, पर मैं आपको बता दूं अगर आपके घर में भी है, इनका सही डायरेक्शन में लगना जरूरी होता है। मैं नहीं लगा पाई, मैंने सोचा था मेरा घर होगा और तब, पर ठीक है कुछ फाइनेंशियल इश्यू, बट अब मैंने सोच लिया है कि जो कुछ 2 सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी मेरा इंटरेस्ट था, मेरी इतनी नॉलेज थी, बी भी था वो मैं छूटा, फिर एस्ट्रोलॉजी था वो छूटा, और अभी भी मैं कंसल्ट करती हूँ, लेकिन चीजें मेरे क्लाइंट कहते हैं कि आप क्यों नहीं बताते, क्यों और डीप में जाते हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ पहले अपने ही घर से शुरू करती हूँ। चलो इस पे आ जाते हैं। तो ये करती है बहुत कुछ है, सॉप जरा सा नहीं करती, तो लोगों को पता ही चलता है। ये कहती है कि वो खुद ही माउथ पब्लिसिटी होगी रचना, आज के जमाने में सोशल मीडिया के जमाने में हमको बताना पड़ता है, माउथ पब्लिसिटी तो टाइम लगेगा, मगर आप बताओ तो कि व्हाट यू आर डूइंग। ये जो पेंटिंग होती है 7 रनिंग हॉर्सेस की, ध्यान रखिएगा हॉर्स व्हाइट हो तो बहुत अच्छा है, और भी कलर का हो सकता है, ये आपको लगानी होती है साउथ वॉल में, यानी कि उधर कहीं हमें देखना पड़ेगा, साउथ अवेलेबल नहीं है तो साउथ ईस्ट, तो उस डायरेक्शन में ही ये वेल्थ और सक्सेस के लिए होती है। ये वाली जो पेंटिंग है ये आपको नॉर्थ वॉल में लगानी होती है, ये लगा सकते हैं आप नॉर्थ वॉल में, या फिर बहते ये झरनों की, ये झरना दिख रहा है आपको, नहीं ये आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, अगर आपको ईस्ट में लगाना है तो उगते हुए सूरज की आप लगा सकते हैं, वेस्ट में आप आपकी खुद की फोटोज लगा सकते हैं, साउथ में आप अपने पूर्वजों की भी फोटोज लगा सकते हैं। अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो जो मान्यता है पितरों को, हमारे यहाँ जो मान्यता है पितरों को खाना जरूर अर्पण करना चाहिए, देना चाहिए, हमारे पितरों से आशीर्वाद लेना चाहिए,
ज्यादा डीप में जितना अपनी श्रद्धा भाव से कर सकते हैं करना चाहिए। और अगर आप 15 दिन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पितृमोक्ष अमावस्या पे जरूर कीजिएगा। तो आज बहुत ज्ञान हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया। रचना मुझसे भी कह रही थी कि मेरे पैर दबा दूं, पैदल चल के आई हूँ, गीत को लेके आई हूँ, तो मैं भी दबाऊंगा आफ्टर द कैमरा। मैं आपको इसी इन्फॉर्म करूंगी, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लॉगिंग और नथिंग एल्स। कल कमेंट आए जिसने कि वो सेकंड बीबी वाले, सेकंड मैरिज वाले मेरे लिए चचेर रिश्ते ढूंढ रहे हैं सब, ऐसा बोल रहे थे। तो कोई बात, ढूंढ लेना, डीएम भी आए। एक दिन भी टिक जाए ना कोई तुम्हारे साथ, नाम बदलूंगा। एक घंटा भी टिक जाए तुम्हारे साथ, हर जगह अभी इतनी ज्ञान की बातें कर रही है, आप पूरा ज्ञान घुटनों में आ गया। तो दोस्तों ये पता नहीं क्या करिए, आज थक गई है रचना ने, बहुत काम किया। नहीं थकी, किसने कहा मैं थकी, वो तो बहुत काम किया आज। ये बॉल अच्छी लग रही है, हम चाह रहे हैं इसको भी बदल दें, इसका कलर पता नहीं रचना ने अच्छा नहीं चुना था। आपने चुना था, ये मेरा नहीं था, मेरा तो माने कि इसको हटा देते और इस पे भी पेंट कर देते, यही कलर बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। मैं अपनी सुंदर नहीं, पहले यही कलर था, हम तो वापिस लगाएंगे। इस इंदौर में इस ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार डांट खाई बॉस से, मकान अंसान मकान नहीं, मेरी गलती नहीं थी, मगर ये पर्स की गलती जो यहाँ टांगा रहता, थोड़ी सी डांट खा ली मैंने हमारे चेयरमैन से। ठीक है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, तो मूड ऑफ था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा वीडियो आने के बनाए नहीं और अभी नहीं बनाए। तो रचना ने कहा कि चलो ब्लॉग तो खत्म कर दें, और मैं आपको गया था चिकमंगलू चौराहे लेकर, जहाँ पे मैंने खाई थी दाल कड़ी फाफड़े, विच इज वेरी टेस्टी। रचना आपको पसंद नहीं, आपको कई बार कहा कि चलो, क्योंकि वहाँ बैठने की जगह उतनी अच्छी नहीं है, पुराना इंदौर की है तो इसलिए। और मैं गया था नोवेल्टी मार्केट, वहां से मैं 3 गॉगल लेकर आया हूँ जो रचना को बिल्कुल पसंद नहीं है, दिखा चुका हूँ। चलिए फ्रेंड, इस आदमी ने आपको बहुत ज्यादा बोर किया कर दिया, मुझे पता है, मुझे पता है आप लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हो, फिर भी आप क्रेजी इंदौरी कपल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करके बताइए कि हम रचना जी को पसंद करते हैं। और ये बीच में घुसता जबरदस्ती पेट दर्द करने लगा, 2-3 आज पल्लवी जी का कमेंट आया था कि पेट दर्द करने लगता है, तो मेरी कॉमेडी यू नो ओवर कॉन्फिडेंस हूँ। गीत को देखा कि नहीं देखा, गीत की चोटी, गीत आई लव यू, तो बोलो पापा को, यू पापा कान में बोलो, कान में आई बाय का तो बाय बाय। चलो दोस्तों बाय, सब्सक्राइब करिएगा और जय माता दी।